Hey guys, what's up and welcome to my channel UB Blogs. और मैं उज्जल आ जाया हूँ मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में कासोहिला करके जगह पे. और ये जगह क्यों फेमस है, मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे होंगे, दो बोर्ड. और ये दो बोर्ड की चीज़ क्या है मैं आपको अभी जूम करके भी दिखाता हूँ. इसमें ये जैसे अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आ रहा है, तो ये ऐसा आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ डॉल्फिन्स के फोटो आ रहे हैं. तो राइट, तो मैं इस जगह पे एक डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन्स आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जो कि ब्रह्मपुत्र में डॉल्फिन्स, जैसे कि हमारे इंडियन रिवर गंगा जी में मिलता है डॉल्फिन्स देखने को, इंडियन जो डॉल्फिन होता है, सेम वैसे डॉल्फिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं ब्रह्मपुत्र में. तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और फटाफट वहाँ पर चलते हैं. और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए. और जो लोग आज इस चैनल को नए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और कंटेंट आने वाले हैं. और अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. पीछे एक बाइक जा रही है तो उसका साउंड आ रहा है, इग्नोर कीजिए, फटाफट चलते हैं. आइए, तो दोस्तों आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. आप अगर नदी में आ रहे हैं और आपको अगर स्विम करना नहीं आता है, तो देखिए हमारे यहाँ पे सेफ्टी के लिए कितना प्रिकॉशन ले रहे हैं. तो ये आपका जो जैकेट है, जैकेट दे रहे हैं, लाइफ जैकेट. तो अगर इनकेस अगर ऐसा कोई हादसा अगर कुछ भी हो जाता है तो पानी में, तो एटलीस्ट आपको ये सेफ्टी देगा. और यहाँ पर ये सेफ्टी जैकेट भी आपको मिलता है जब आप बोट सफारी के लिए आएंगे. अभी ये मुझे भी पहनाएंगे तो मैं भी पहन लेता हूँ, क्योंकि सेफ्टी है तो सेफ्टी लेना ही पड़ेगा. चलिए फिर, ऑल सेट. तो देखिए हम लोग तैयार हो गए और यहाँ पे हम दोनों ने पहन लिया, हिदय और उज्जल. तो हम दोनों अभी बोट सफारी के लिए रेडी है और साथ में बिनोय है और मैं इनका नाम भूल गया हूँ, दमन. तो ये हमें अभी बोट सफारी कराएंगे. उन्होंने हमें सिक्योरिटी के लिए, जो सॉरी मतलब सेफ्टी के लिए ये जैकेट पहना दिया है. तो आइए चले, चलते हैं आगे. बिल्कुल ब्रह्मपुत्र के नदी के बीच में है और यहाँ पे अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो डॉल्फिन्स है डॉल्फिन्स को कवर करने की. तो ये देख, बिल्कुल हम लोग हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, माइटी ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में. और यहाँ पे मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी डॉल्फिन्स हैं डॉल्फिन्स को कैप्चर कर सकूँ, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. और आपने मेरा जैसे मायंग वाला वीडियो है अगर नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाया. और अभी जो रिसेंट वाला जो मेरा जो वीडियो बना हुआ है जो जोरहाट का और काजीरंगा, ये ऊपर आई बटन्स आ रहे होंगे, ये देखिए. तो इस आई बटन को क्लिक कीजिए, यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा जोरहाट काजीरंगा का. और ये देखिए यहाँ पे बीच बीच में जो डॉल्फिन्स है डॉल्फिन्स स्विम कर रही है. और ये जैसे लोग पास जाते हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, तो अच्छा लग रहा है. और सही मैं बताऊँ, ये जो नेचर है और नेचर के साथ घुल मिल के जाना और एक इस चीज़ को आप रियलाइज़ करना, ये चीज़ आप जब आओगे ना यहाँ पे असम में नॉर्थ ईस्ट में, तभी आप ये रियलाइज़ कर सकोगे. ये मैं कैमरे के थ्रू अगर बता रहा हूँ इतना जस्टिफाई नहीं हो पाएगा. ये चीज़ आप यहाँ पे आके खुद आप रियलाइज़ करो तभी आपको अच्छा लगेगा. और
जो ये रिवर क्रूज हो रहा है, जो रिवर सफारी हो रहा है, इसका जो डिटेल्स है, ये सारे डिटेल्स मैं अभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कैसे कॉन्टेक्ट करना है, कौन है, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ये जो चीज़ होगा, ये रिवर क्रूजिंग, ये क्रूजिंग आपको कम से कम 1 से 2 घंटे का आपको रिवर क्रूज यानी कि रिवर सफारी आपको मिल जाएगा। और मेरे साथ विनोय भी है, विनोय भी थोड़ा सा बता देगा। विनोय मेरा कैमरा भी देख रहा है उसमें। विनोय इधर ये पवित्रा बोट सफारी ग्रुप के अंदर इस साल ये ओपन किया गया है, अभी शुरू हुआ है, आप लोग आ सकते हो। अभी पवित्रा का जीप सफारी, रिवर क्रूज, एलिफेंट सफारी सभी शुरू हो गया है, आप लोग आ सकते हैं, आराम से आकर व्यू देख सकते हैं। मायोंग का, पवित्रा का, जो ब्रह्मपुत्र है ना, वो व्यू बहुत ही अच्छा है, वो आप लोग देख सकते हैं इधर आकर। और यहाँ पे एक चीज़ है कि आप अभी जैसे सुबह के टाइम आओ या शाम के टाइम आओ ना, यहाँ पे सनसेट और सनराइज आप देख सकते हो, बहुत ही यहाँ पे शाम के टाइम पे तो बहुत अच्छा लगता होगा, पूरा जब सनसेट होता होगा जो अच्छा लगता है। तो और भी आगे जगह है जो सनोका है, नेचुरल व्यू है, राइट, और नरसिंहा मंदिर है, उधर भी हम लोग जाएंगे। अभी ये डॉल्फिन व्यू है, हम लोग अभी डॉल्फिन व्यू में है, बाद में वो नेचुरल व्यू देखने के लिए जाएंगे। बहुत ही अच्छा है, जिधर सनसेट को देखने के लिए अच्छी तरह से मिलते हैं, जो सनका है उसमें सनसेट को देखने के लिए अच्छी लगते हैं देखने में, फिर बहुत ही अच्छा है सनसेट, वो देखने के लिए जाएंगे। तो बिल्कुल आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो देखते रहिए, स्किप मत कीजिए, बहुत ही मजेदार वीडियो और धांसू वाला वीडियो आने वाला है, ये ऐसा आपको और कहीं नहीं मिल पाएगा, ये यूबी ब्लॉग्स में ही मिल पाएगा। और यहाँ पे देखिए हिदाय तो बिजी हो गया, ये पूरा टूरिस्ट बन गया आज। हिदाय हाउस योर एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कैसा एक्सपीरियंस? बढ़िया है ना? बढ़िया एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, सब आ सकते हैं यहाँ पर देखने। और मेरे भाई है, आप अगर बैठ कीजिए, मुझसे बोलिए, हम आपको बता दूंगा कहाँ पर क्या करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अभी थोड़ा सा आपको टाइटेनिक वाला पोज दिखाता हूँ, हालांकि ये चीज़ आपको मैं रिकमेंड नहीं करता, वो साउंड ज़्यादा आ रहा है, तो बिल्कुल टाइटेनिक वाला पोज है। यहाँ पे देखिए क्या व्यू आ रहा है, और ऐसा व्यू आपको और कहीं नहीं मिल पाएगा गाइस, आप यहाँ पे आइए, मैं पूरा डिटेल्स आपको यहाँ का दे दूंगा। और ब्रह्मपुत्र के बिल्कुल बीचों बीच में आपको ऐसा जो बोट सफारी है ये आपको करने को मिलेगा। और यहाँ पे जो मुझे बुलाया था, बिनोय ने बुलाया था, बिनोय से क्या, जो कि मेरा खास भाई है, यहाँ पे रहता है मायोंग में, तो उसने आज इनवाइट किया था, उन्होंने शुरू किया है, तो उनका डिटेल्स मैं दे दूंगा। और ये देखिए क्या व्यू है, ये नज़ारा अल्टीमेट वाला नज़ारा है। और जो चार्जेस वगैरह होंगे बोट सफारी के, ये बोट सफारी के चार्जेस वगैरह मैं आपको बता दूंगा कि कितने चार्जेस होंगे, ये आपको पूरा व्यू करवाएंगे, 1 घंटे का 2 घंटे का आपको टूर दिलवा देंगे पूरे ब्रह्मपुत्र के रिवर में। और देखिए कैसा नज़ारा आ रहा है यहाँ पे, ये चीज़ बिल्कुल गुवाहाटी असम नॉर्थ ईस्ट में ये फील आपको मिल पाएगा, और कहीं नहीं मिल पाएगा ऐसा। देखिए बिल्कुल एज पे खड़ा हूँ, और यहाँ पे हम अभी डॉल्फिन मैंने आपको दिखाई दिया है स्क्रीन पे आ चुके हैं, और यहाँ पे अभी जा रहे हैं एक व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट में आपको दिखाने।
सो दोस्तों ये जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, ये है नरसिम्हा मंदिर वाला पहाड़, जो मेरा मायंग वाला रिसेंट इसमें आई बटन आ रहा होगा यहाँ पे, तो जिस मंदिर पे आया हुआ था ये वही पहाड़ वाला है। और मैं हूँ अभी यहाँ पे ब्रह्मपुत्र पे, तो इस पहाड़ पे ही नरसिम्हा मंदिर है, जो कि मतलब एशिया में कह लो या इंडिया में कह लो कुछ गिने चुने मंदिर हैं, तो ये मंदिर यही पहाड़ पे है। तो देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और यहाँ पे मतलब ये चीज़ ना मैं एक्सप्रेस अभी ऐसा कर नहीं सकता हूँ इस चीज़ को। ये आप यहाँ पे आओगे और नेचर के साथ जब आप मिल जाओगे तभी ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस करने को मिल पाएगा। यहाँ पे इस आइलैंड पे हम लोग जाएंगे अभी, और डॉल्फिन इको कैंप है और वहाँ पे खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद फिर आगे चलते हैं। अभी आइलैंड में जाएंगे, वो आइलैंड में जाके हम लोग अभी खाएंगे और खाने के बाद फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग अभी आए हैं डॉल्फिन इको कैंप पे, और यहाँ पे अभी थोड़ा सा लंच करेंगे, भूख लग रही है, काफ़ी टाइम हम लोग ने बोट सफारी कर ली है, तो अभी जा रहे हैं इको कैंप की ओर। आपने देख ही लिया होगा हम लोगों को जो बोट है, बोट वहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया था, अब बोट वहाँ पे खड़ी है। अब वहाँ से हम थोड़ा सा पैदल आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ये पूरा ब्रह्मपुत्र का एरिया, जो कि अभी सूख चुका है, आइलैंड है, तो आइलैंड में ही एक डॉल्फिन इको कैंप है, वहाँ पे जा रहे हैं, वो चीज़ आपको दिखाते हैं। इको कैंप में हम अभी खाना खाने जा रहे हैं, लंच करने जा रहे हैं, तो आइए चलते हैं वहाँ पे चलते हैं। दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं डॉल्फिन इको कैंप पे, और ये रहा गेट मेरे सामने, और यहाँ पे आके अभी हम लोग जाएंगे अंदर, लंच करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए कैंप का थोड़ा सा अंदर का एम्बियंस दिखा देता हूँ कैसा है, तो फटाफट देख लेता हूँ, मैं थक गया हूँ, काफ़ी दूर से आया हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे छोटे छोटे हट बने हुए हैं, इस फिर इस तरह का एक आपका हाउस बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पानी होता है तो इसको इसमें कहते हैं सांगर। तो टेंट भी है, तो ये टेंट वगैरह यहाँ पे रखे हैं, तो अगर आप रात को आके ब्रह्मपुत्र बीच में अगर स्टे करना चाहते हैं, स्टे कर सकते हैं, चिल आउट कर सकते हैं। बाउंड्री पूरा यहाँ पे ब्लॉक करके रखा हुआ है, सिक्योर है, और ये तो खाना वाना खा सकते हैं। और मेरे साथ है यहाँ पे हृदयानंद। सो कैसा लगा आज? बहुत सुंदर, घूम कर थक गया, अभी थक गया हो ना, अभी लंच करेंगे हम लोग। जैसे इको कैंप आते हैं तो क्या होता है कि मोस्टली वॉशरूम वगैरह के बारे में भी पूछते हैं, तो यहाँ पर भी वॉशरूम बना के रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये टैंकी भी है, वाटर रिजर्व, यहाँ पे ये टॉयलेट, और ये यहाँ पे आपका बाथरूम भी है, तो ये आप आके यहाँ पे वॉशरूम वगैरह में जा सकते हैं। और जैसे कि मेरा जो रिसेंट वाला जो ब्लॉग था, आपने जैसे देखा है वन हॉन राइनो इको कैंप वाला, तो सेम इसी तरह का ये कैंप है पोपितरा में, तो यहाँ पे ये कैंप में आप आइए, और मैं कैंप के ओनर से भी एक बार मिला देता हूँ, प्राइसिंग वगैरह के बारे में वो आपको थोड़ा।
थोड़ा सा भी डिटेल्स में बता देंगे। तो दोस्तों मेरे साथ है यहाँ की जो डॉल्फिन इको कैंप के प्रोप्राइटर ओनर दिलीप देका, और दिलीप देका जी ने आज मुझे इनवाइट किया था, साथ में मेरा जो भाई है अभिनव से क्या उसने भी इनवाइट किया था, तो उनके यहाँ पर प्रॉपर्टी पर आए हैं अभी, मैंने जैसे आपको व्यू दिखाया है। तो दिलीप देका जी से बात करते हैं कि यहाँ का जो एम्बियंस है क्या, चार्जेस है क्या, है स्टे का क्या, खाने पीने का कैसा है इंतज़ाम। तो दिलीप देका वेलकम टू माई चैनल यूट्यूब ब्लॉग, और थोड़ा सा जगह के बारे में बता दीजिए, क्या चार्जेस है, कैंप के टेंट के बारे में थोड़ा सा आप बता दो। ये जो आसाम का ये मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट है, तो आप लोग जो इधर में आप लोग का जो हमारा आसाम का ट्रेडिशनल फूड, राइट, ये ट्रेडिशनल एथनिक। सो गाइस रिमेंबर एक चीज़ है कि आप यहाँ पे आओगे तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जो आसाम का जो एथनिक फूड है, जो ट्रेडिशनल फूड है, वो आपको खाने को मिलेगा आई एम श्योर। और यहाँ पे जैसे कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर का फिश भी आपको मिल जाएगा, जो लोकल फिश होता है यहाँ पर। आप लोग नाइट स्टे करेगा तो नाइट स्टे के करेगा तो आप लोगों को मुझे बॉनफायर मिलेगा। हम लोगों का ये सांग आसाम इसमें बोलते हैं सांग घर, वो सांग घर मिलते हैं 1500 से शुरू होगा, 2000 से होगा, 3000 से ऐसे ही, वो डिपेंड करता है कितने लोग कितने लोगों के ऊपर यूज करते हैं। तो गाइस अभी पता चली गया है कि आपका 1000 रुपीज़ से लेकर 2000 के बीच में होगा, आप यहाँ पर आके कंफर्टेबल प्लीजेंट स्टे कर सकते हैं। तो अगर आपको आना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स दे दूँगा, और आप डायरेक्टली जो ओनर है ओनर के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे मेल कर सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो गाइस ये थे दिलीप देका, और अभी मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, भूख लग रही है, खाना खाते हैं और फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं। सो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो वीडियो बस मैं यहीं वाइंड अप करता हूं। हम लोग ने अभी जैसा आपको दिखाया कि लंच कर लिया है और डॉल्फिन इको कैंप में, और पूरा घूम फिर के जो सफारी, जो बोट सफारी हुआ था, वन एंड हाफ आवर का था, जिसमें हम लोग ने बीच में आइलैंड में जाके खाना भी खा लिया था, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। कोई फीडबैक देना चाहता है तो प्लीज़ फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नए नए और वीडियो आने वाले हैं एक नए कंटेंट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय आया हम।